फ्रेंड्स, मैं मयूर आज विफिक्स इंडिया की यूट्यूब चैनल पे और एक टेक्निकल वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। आज के सेशन में हमारे पास एक सैमसंग का 65 इंच का टीवी है जिसका मॉडल है UA65K5900 मॉडल है, अल्ट्रा एचडी पैनल के साथ। तो इसमें पहले आपको प्रॉब्लम दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं कि वीडियो प्ले किया हुआ है तो थोड़ी देर के बाद ऐसे पिक्चर जो है जंप करने लगता है, ये इसका प्रॉब्लम है। तो अभी इसको कैसे सोल्व किया जाता है वो हम आपको बताते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने टीवी खोल दिया है तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये उसका SMPS है और यहाँ पे मेन बोर्ड है। तो इसके अंदर मेन चीज ये है कि उसका जो टिकॉन सर्किट है वो मदरबोर्ड के ऊपर ही दे दिया है, इतने पार्ट में उसका टिकॉन सर्किट दे दिया है। और यहाँ से दो स्ट्रिप जो है वो पैनल को लेफ्ट और राइट PCB में जा रही है, मतलब टिकॉन बोर्ड जो है वो मदरबोर्ड पे दे दिया है और उसमें से सारे सिग्नल्स जो है वो सीधे पैनल को जा रहे हैं। तो अभी इसका आगे कैसे ट्रबल शूटिंग करना है वो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने इसको प्रॉब्लम अभी सोल्व किया है और अभी ये टेस्टिंग पे रखा है, तकरीबन आधे घंटे से ये चालू है। तो इसके अंदर मेनली ट्रेसिंग में ऐसा था कि पिक्चर आ रहा था, इसलिए टिकॉन सर्किट तो ओके रहता है क्योंकि टिकॉन में सारे बूस्ट वगैरह LVDS डेटा वगैरह सब बनेगा तभी पिक्चर आएगा। लेकिन पिक्चर जो है जंप कर रहा था, उसका मेनली रीजन ये था कि पैनल जो है वो इंटरनली शॉर्ट था। तो उसके लिए हमने इसमें क्या किया कि एक्सटर्नली जो टिकॉन्स के डेटा जो है वो पैनल में इनपुट होते हैं वो सारे डेटा जो है वो हमने उसका डेटा निकाला और उसके ऊपर से सारा डेटा एनालिसिस करके उसमें से कुछ सिग्नल्स को मॉडिफिकेशंस करके हमने इसको सोल्व किया है। तो हमने जब उसका टिकॉन के जो आउटपुट है और पैनल के अंदर जाने वाले जो इनपुट सिग्नल्स है उसका सब एनालिसिस किया तो पता चला कि उसमें LC1 LC2 नाम से जो वोल्टेज रेंजर जा रहे हैं पैनल के दोनों तरफ जो जाते हैं, जिसको VGH और VGH-even भी कहते हैं, जो कि लेवल शिफ्टर IC के आउटपुट्स है और पैनल के दोनों तरफ जाते हैं, तो उसके रिलेटेड उसमें प्रॉब्लम था। तो उसको सोल्व करने के लिए टिकॉन के ऊपर कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। आइडियली फॉल्ट तो पैनल के अंदर है पर टिकॉन के ऊपर कुछ मॉडिफिकेशंस करके हम उसको सोल्व कर सकते हैं। उसके कुछ 3-4 कॉम्बिनेशंस है, कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा वो पैनल की डिजाइन के ऊपर डिपेंड रहता है, टिकॉन की डिजाइन के ऊपर डिपेंड रहता है। तो इस तरह के फॉल्ट कैसे रिपेयर करते हैं उसका सारा कुछ डिटेल हमने हमारे ऑनलाइन क्लासेस के वन ऑफ द सेशन में इंक्लूड किया हुआ है, तो जिससे कि आप सारा कुछ परफेक्टली प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है 9227-47999 इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।